वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ चुवैत चमन वाके में गलती अफगान फौजी हुई, अफगान इख्तियारिन गलती के तस्लीम कदे माजरत कया है। कौमी असम्बली में ख्याल जो इजहार कदे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ चुवैत सरहद से लगल तार की मरम्मत दौरान पैरी फायरिंग कई वही पोए गरन हथियारन से हमलो कर वो जैसा पंज शहरी थडे ते मार जडे त ब जख्मी अस्पताल नियंदे शहीद थी वह। ख्वाजा आसिफ चुवैत पाकिस्तान अफगानिस्तान के फौजी पोस्ट से हमलो कर जैसे नतीजे में उन्हें जा फौजी मारा वा हुआ। उन्हें चुवैत अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम जो असर पाकिस्तान ते थी रो है। काबुल जा सजन आयु चाहूँ था तो हुकूमत कन, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से सहकार है। ख्वाजा आसिफ चुवैत मौलाना अकबर चित्राल की पैंजी सोच है, संदस रिमार्क्स गैर मुनासिब आन। अफगान हुकूमत हिना रबानी खर्ज दौरे से को एतराज़ ना है कयो। नाणे वाले वफाकी वजीर इसाक डार चुवैत पाकिस्तान कें भी सूरत में डिफॉल्ट न कंदो। पाकिस्तान की डिफॉल्ट थियण वाली ख्वाहिश इमरान न्याजी से गड कबर में वेंदी। इस्लामाबाद में वजीर आजम ए वफाकी वजीर से गड न्यूज कॉन्फ्रेंस कंदे नाणे वाले वफाकी वजीर इसाक डार चुवैत इमरान खान पेंजे दौर में रिकॉर्ड कर्ज वरता। उन्हें चुवैत पाकिस्तान कें भी सूरत में डिफॉल्ट न कंदो। पाकिस्तान की डिफॉल्ट थियण वाली ख्वाहिश इमरान न्याजी से गड कबर में वेंदी। इसाक डार चुवैत पीटीआई मुल्की मईशत के तबाह कर छोड़ो। डेढ़ साल त उन्हें यो फैसलो कर में लगी वो आईएमएफ वट वनो आए या न। हे 25,000 अरब जो कर्ज 40,000 अरब तीन खड़ी वह। वफाकी वजीर चो सदन लय हुकूमत वो फैसलो दुख्य हो। इतिहाद हुकूमत सियासत से रियासत की तरजीह दिनी जडे त इमरान न्याजी पाकिस्तान के बतौर कौम करप्ट साबित करने की कोशिश कई। इसाक डार चो तो इमरान खान रुपये जो बेड़ो गरक कर छोड़ो। हाँ पाकिस्तान के डिफॉल्ट थे कूड़ियों खबरू पकड़ी पी वन पर पाकिस्तान कें भी सूरत में डिफॉल्ट न कंदो। इलेक्शन कमीशन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सख्त नोटिस वी छो है। इलेक्शन कमीशन पारा पेमरा का इमरान खान की तकरीर जो ट्रांसक्रिप्ट पिण तलब कर वो है। पीटीआई चेयरमैन गुजरियल डी आदत मूजिब इदार तनकीद जो निशानो बनाया ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक भेरों बीहर इल्जाम लगाया। कानूनी माहिरन मूजिब इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 204 तहत अगूणे वजीर आजम खिलाफ कार्रवाई करण जो इख्तियार रखे तो। अगूणे वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ रावलपिंडी से वास्तो रखंदड़ असेंबली मेंबरन की मशावरती इजलास में पहरे मरहले में पंजाब असेंबली टोड़न जो फैसलो कर वो है। इजलास में फैसलो कर वो तो बे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टोड़ी वेंदी। पीटीआई जा कौमी असेंबली मेंबर ऐवान में बीहर पेश थी इस्तीफा दींदा। इजलास में यो भी फैसलो कर वो एहतजाजी तहरीक के चूंड मुहिम में तब्दील कर वो। इजलास में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चो तो पीटीएम हुकूमत की गैर असरायती पॉलिसिन मुल्क के अजाले न थियण जोगो नुकसान पहुंचाया। मुआशी ए सियासी बुहरान में निकरण जो एक ही रस्तो जल्द अणधुरी चूंडू आन। ट्रांसपोर्ट इतलात खाते के सूबाई वजीर शर्जीलना मेमर चुवाए इमरान खान समझे तो केर भी खाएस पुछाणू करो है तें करे चई रो है तो मेरी घड़ी मेरी मर्जी। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर से इमरान खान की तकरीर से रद्दअमल लींदे सूबाई वजीर शर्जीलना मेमर चो तो इमरान खान चे तो मुझी घड़ी मुझी मर्जी मुझी गोगी मुझी मर्जी। शर्जील इनाम मेमर चो तो इमरान खान जो ख्याल है तो मुझी मनी लॉन्ड्रिंग मुझी मर्जी मुझा फॉरेन अकाउंट्स मुझी मर्जी है। शर्जील इनाम मेमर जो वधिक चवणो तो इमरान खान के पेंजे जहन में या खाम ख्याली कढ़ी छड़न घुर्जे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन चवाए तो संदस आसिफ अली जरदारी से राबो थो रो है। अगूणे सदर के भी मुल्क की तमाम घनी गणती है। पैंजे एक बयान में चौधरी शुजात चो तो मुल्की मईशत के ठीक करण सब का अहम है। इन वक्त सभी के मुतहद थियण की जरूरत है। पाकिस्तान की मईशत संगीन चैलेंजेस के मुंह दई रही है।
चौधरी शुजात चढ़ू तो सियासतदान के सूरतहाल के समझण घुर्ज एक्की पेज से अचान घुर्ज काप लीग सरबरा चो तो इमरान खान के मईशत पैरें एजेंडा से रखी वे तो साणस गड हलन तैयार आन सियासतदान के आइन की बालादस्ती ले किरदार अदा कर घुर्ज। केपीके के वे वजीर वफाक खां फंड्स की अदायगी जो मुतालबो कर छोड़ो। महमूद खान फंड न डेण की सूरत में धरणू डेण की धमकी भी डनी है। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के वे वजीर खालिद खुर्शीद से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे महमूद खान चो तो जडे का वफाकी हुकूमत तब्दील थी है असा माली मसलन के मुंह डे रहा हूं। वफाकी हुकूमत असाजो रहतू फौरी तौर अदा करे यो असाजो हक है। असा वफाक खां पैंजो हक घुरी रहा हूं का खैरात न पा घुरूँ। संदस चवण हो तो असा के जम थियल जिलन जा फंड्स न पा मिलन पैसा वफाक वट पाया पर खैबर पख्तूनखा भी सेहत कार्ड जा पैसा न पे दिना वजन। महमूद खान चो तो केपी हुकूमत वट पगारों जा पैसा ना असा तो एनएफसी में पैंजन शेयर्स ले विड़ी रहा हूं। वफाक बोर्ड की मदद में 10 अरब रुपया डेण जो वायदो कयो हो पर एक टको भी न दिनों। असा के कें बैंक या इदारे का कर्ज भी वठन नथा दियन। 55 अरब मां असा के अना ताई 5.5 अरब रुपया मिलिया आहिन उनजो पैंजे हक ले आखिरी हद ताई विढ़ंदासी। जेकडे असा जा मुतालबा पूरा न किया व्या तो पोए असा धरणो हणंदासी आई मुखालिफ धुर्ब गड ईंदी पोए भी गाल न बुधी वही तो केपी जो अवाम भी वठी ईंदासी। सुप्रीम कोर्ट नेब तरमीमुन वाले केस में अगूणे वजीर आजम इमरान खान के वकील का बिन सवालन ते वजाहत तलब करे वरती है। सुप्रीम कोर्ट में नेब तरमीमुन खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त बुधनी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराई में 3 रुकनी बेंच कई। बुधनी दौरान इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ इले एक्सटेंशन केस में कानूनी ख्याल खाल भर हो। असवंद यार वली केस में भी सुप्रीम कोर्ट तरमीमुन के कलदम करार दिनों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क दिना तो असवंद यार वली केस में अदालत इंसानी हकन की भनकड़ी ते कानून कलदम करार दिनों हो। नेब तरमीमुन वाले केस में तो अवा चई रहा हो तो जेको मिसिंग आहे उनके शामिल किया वे। जस्टिस एजाजुल हसन चो तो नेब तरमीमुन में जेकी शिकू कढ़ी व्यू आन उन्हें सा कानून ई गैर असरायतो थी वो। मौजूदा केस में नेब कानून असल हालत में बहाल करण जो चयो वियो आहे। जस्टिस मंसूर अली शाह चो तो नेब जी जिन शिकन में तरमीम थी आए बुनियादन हकन के खिलाफ नाहिन। चीफ जस्टिस जी उमरता बंदियाल डिमाकना तो नेब कानून में कई खामियों पूर्ण हुई कें भी मानू के रुगो इल्जाम की बुनियाद से 90 दिन लाए गिरफ्तार किया वो हो। तरमीम मुल्की कानून में अग भराई है। पीटीआई के वकील ख्वाजा आरिफ चो तो यो नथा चाहूँ तो समूरियों नेब तरमीमू कलदम करार डिनू वन। नेब तरमीमुन में पार्लियामेंट की नीयत डिसन जरूरी है। पार्लियामेंट में को बहस थो ही ना है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के 55 करोड़ 40 लख डॉलर कर्ज दींदी। एशियाई तरक्याती बैंक पारा जारी पधराई मौजी पाकिस्तान के डिनी वींदड़ रकम बोर्ड मुतासिर इलाक में नए सिर अदावत ए मौसमियाती तब्दीलियों से मुदाफियत पैदा करण से खर्च थी। पधराई में बुधा वो है तो मंजूर थियल रकम में 30 लख डॉलर EDBG ग्रांट 47 करोड़ 50 लख डॉलर कर्ज है जडे तो मंजूर थियल रकम में जापान पारा 50 लख डॉलर ग्रांट है। पधराई में वधिक चयो वियो आहे त इन रकम से आबपाशी निज़ाम की बहाली ए ड्रेनेज जा मनसूबा मुकम्मल थींदा। रकम सिंध केपी ए बलोचिस्तान में ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बहाली के मनसूबन से खर्च थींदी। सिंध असेंबली में पीटीआई मेंबरन सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी खिलाफ एहतजाज कयो। सिंध असेंबली जो इजलास शुरू थियो तो सिंध असेंबली के मुखालिफ धुर्जे अगवान हलीम आदिल शेख पैंजी सीट तां उथियो और मेहमान की गैलरी में वेठल सेनेटर आजम सवाती के पुट उस्मान सवाती के भलीकार चयो। अपोजिशन लीडर मामले ते वधिक गालायण घुरियो पे त खेस एवान जी एजेंडा मुकम्मल थे ताई गालायण खा रोके वयो। बाद में पीटीआई मेंबरन सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी खिलाफ एहतजाज कयो और स्पीकर जी डाइस जो घेराव कयो वयो। उनखा पहरी सवाल जा जवाब दींदे सूबाई वजीर मुकेश चावला चयो तो 2018 में खुशकसाली सबब थर में बोहरान आयो पर इन भेरे
थर में बरसात पवण सबब बेहतरी आई है। 2008 में पीपी की हुकूमत आई हुई तो उन वक्त कणक जो वो बोहरान हो। उन वक्त सदर आसिफ अली जरदारी कणक की कीमत 1200 रुपया मुकर्रर कई हुई। एमक्यूएम के राणा अंसार चो तो गुलिस्तान लतीफाबाद हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज की तामीर के 13 से 14 साल गुजरी वया। बिल्डिंग तैयार है पर इमारत के अजा खोलो ना है वो। जैसे पार्लियामानी सेक्रेटरी सिराज कासिम सुमरो चो तो ये स्कीम वर्क्स सर्विस वट है। 2017 में SIUT के हवाले कई वही हुई। जैखा पोए हैदराबाद के मानून चो तो खेन कॉलेज की जरूरत है। इजलास दौरान सूबाई वजीर शबीर बिजाड़ानी माइनर एंड मिनरल तरमीमी बिल से लागापल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश कई जेका मंजूर कई वही। सिंध हाई कोर्ट में आजम सवाती बाबत केस की बुधनी दौरान जस्टिस के आगा IG सिंध गुलाम नबी मेमण विच में सख्त जुमलन की डेवट थी। सिंध हाई कोर्ट में आजम सवाती के पुत्र उस्मान सवाती की दरख्वास्त बुधनी थी। IG सिंध गुलाम नबी मेमण, DIG इरफान बलोच, DIG फिदा मस्तोई और बया ऑफिसर अदालत में पेश थे। बुधनी दौरान जस्टिस के आगा की रिमार्क्स से IG सिंध चो तो अदालत की रिमार्क्स से तकलीफ पौती है। अदालत के मुँह भरोसो ना है तो वधिक छा चवां। जस्टिस के आगा चो तो IG साहब अवां के नौकरी में दिलचस्पी ना है तो इस्तीफा दियो। IG सिंध जवाब डींदे चो तो छो इस्तीफा दियां, अदलिया की इज्जत कंदा आयूं, इज्जत की उम्मीद हुंदी है। उन दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल मुदाखलत करने की कोशिश कई तो सिंध हाई कोर्ट खेस मुदाखलत करण खां रोके छो। जस्टिस के आगा चो तो प्रोसिक्यूटर साहब अवां खामोश रहो, मुखे गालहन दियो। IG सिंध गालाइन शुरू कंदे चयो त आउं सूबे में पुलिस जो सरबराह आहियां, IG सिंध आहियां, SHO ना आहियां। अदलिया के भी असांजी इज्जत करण घुर्जे। उन दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल बीहर मामले के ठारण की कोशिश कंदे चयो त जज साहब आउं IG तरफा अवां खां माफ़ी तो वठा, माफ़ करियो। जस्टिस के आगा चयो त ठीक आहे त पोइ अवां ॿुधायो, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब एक वाक़े में एतरियूं FIR छो कटियूं आहिनि? केसन जी वज़ाहत पेश न कई वई त IG ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। कराची में 6 वर की नींगरी जो लाश हथाय है। पुलिस जरियन चवण है तो नींगरी के ज्यादती बद कतुल के वो है। गुलशन मेमार थाने हद अफगान कैंप पुलिस चौकी भरसा 6 वर की नींगरी जो लाश हथाय है। पुलिस सरियन मूजिब नींगरी के मुबैना तौर ज्यादती बद कतुल के वो है। मामले बाबत जांच की भी वे। पुलिस मूजिब इन वक्त नींगरी के कतुल जो सबब मालूम न थी सको है। शाहिदूँ गड क्यों पी वन। कराची पुलिस टिन भायरन के कतुल में मुलविस बिन जवाबदारन के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मूजिब गिरफ्तार जवाबदारन में गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारी ए गुलाम नबी उर्फ पसोरी शामिल आहिन। जवाबदार के बयान मूजिब मकतूल भायरन में एक भा मंशियात फरोश हो। पुलिस मूजिब गिरफ्तार टेक्निकल महारत से कई वही है। गिरफ्तार जवाबदार सोहराब गोठ मच्छर कॉलोनी रहवासी आन। सदन कब्जे में हथियार पिण हथ क्या वह। जामशोरों में यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर तरफा सिंध नामियारे अवामी शायर उस्ताद बुखारी के भेटा पेश करने 6 डीहन वो उस्ताद बुखारी कठ शुरू थी वो। कठ की शुरुआत नालेवारे रागी उस्ताद मंजूर सखीरानी अयाज समूह उस्ताद बुखारी की शायरी से कई, जैमें सदारत डॉक्टर अल्ताफ शाह कई। मेहमान में प्रोफेसर इनाम भट्टी, फनकार मंजूर सखीरानी, सहाफ़ी गुलन भंड हुआ। फिक्री वहक में सदारती खिताब कदे डॉक्टर अल्ताफ बुखारी जो तो उस्ताद बुखारी मथे न पर हेठे तबके जो शायर हो। खेस हर वक्त जिंदगी जी आखिरी घड़ी ताई गरीब मानू जो उल्को हो। अवामी शायर हुजन करे खेस अज ई असल मन्ता मिली रही है। उन सिंध हुकूमत का घुर कई तो उस्ताद बुखारी जी शायरी ए मौसीकी ते सरकारी सतह से कम कयो वने। प्रोफेसर इनाम भट्टी गालाइंदे चयो तो उस्ताद बुखारी जो हर लफ्ज हर अखर अवाम की जबान ते आहे। दुखिन हालतुन में उस्ताद बुखारी पेंजी धरती पेंजे मानून लाए सोचो लोचो। रागी उस्ताद मंजूर सकीरानी गालाइंदे चयो तो उस्ताद बुखारी जो सिंध सा सिंधी बोली तोड़े सिंधी मौसीकी सा लगाव हो। इो ही सबब है जो पेंजी शायरी की घणी भांगे पान तरतीब डिनी हुसनस मोहसिन हो। अनवर सागर कांदरे गालाइंदे चयो तो उस्ताद बुखारी दादू की सुणप हो। खेस हुकुमरानन कामूरन की का भी परवाह न कई।
सहाफ़ी गुलन भंड चयो तो उस्ताद बुखारी सोच वीचार वारो माण्हू हो संदस शायरी में केतरियूं अगकथियूं कयल आहिनि जेकी अॼु साबित थी रहियूं आहिनि। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के चांसलर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह दाऊद पुटे जो चवण हो तो सदन यूनिवर्सिटी अवामी है उन करे अवाम की गाल करे थी सकजे यो ही सबब है जो यूनिवर्सिटी अवामी शायर उस्ताद बुखारी के भेटा पेश कर छहन डीन जो कट कोठायो है जैमें फिक्री वहकुन से गड अवाम की तफरील सुर सास के शामिल किया है। तकरीब में मंजूर सकीरानी अयास समूह उस्ताद बुखारी के कौमी सुरन की वर्खा कर खूब दाद हासिल कर। तकरीब दौरान यूनिवर्सिटी में पहले साल ज आयल नतीजन में पोजिशन हासिल कर शागिर्दानी रेहाना कोसर पहरी लवेशिया बी ए कोमल शहनाज टे पोजिशन मानन में इनाम से नवाजे वो। प्रोग्राम में बुक स्टॉल से गड यूनिवर्सिटी के शागिर्दन शागिर्दानी पारा हथ से ठायल शयन जहा स्टॉल पिण लगया व्या जी ऐसंदड़ खरीदार के ध्यान जो मरकज बनल रहा। शहीद बेनज़ीराबाद के एस एस पी फर्ज में गफलत करण था बावी पुलिस एहलकार के जिले बदर कर छो। एस एस पी शहीद बेनज़ीराबाद अमीर सऊद मक्सी कार्रवाई करने बावी पुलिस एहलकार के सजा दींदे खेन जिले बदर कर छो जिनमें सत पुलिस इंस्पेक्टर नव सब इंस्पेक्टर छह एस आई शामिल आहिन। एस एस पी पुलिस एहलकार के फर्ज में कोताही करण से सजा तौर जिले बदर किया है। घोटकी की अदालत गोठाने के मुबैना मुकाबले में मार्जन खिलाफ दरख्वास्त बुधनी जोगी करार दी छो जडे त बिन एस एस ओस ए टिन एहलकार जमानत जोगा गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर छा। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज घोटकी की अदालत मुबैना मुकाबले में मारजी वेल खानगढ़वासी निसार महर की घरवारी मुस्मात मुमताज की दाखिल करायल दरख्वास्त के बुधन जोगो करार दींदे बिन एस एच ओस ए टिन पुलिस एहलकार जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी किया व्या। एस एच ओ खानपुर महर बरकत भट्टी एस एच ओ बेलो मीरपुर मोहम्मद सिद्दीक शर एहलकार हुबदार मंगणहार एहलकार रियाज महर ए शोभान कोराई जहा जमानत जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी किया व्या। अदालत हुकुम जारी कर जानायल एहलकार पंजा पंजा हजार रुपये की जमानत कराइंदा जमानत न कराने की सूरत में खेन गिरफ्तार किया वो। वाजिरत पुलिस अढ़ाई महीना अग खानगढ़ वासी निसार महर के पुलिस मुकाबले में मारजन की दावा कई हुई जै बद मारजी वेल निसार महर की घरवारी मुस्मात मुमताज घोटकी की अदालत में सीधी रीत दरख्वास्त दाखिल कराई हुई। खैरपुर में बिन जवाबदार नींगर के खंबे मुबैना तौर बदफेरी जो निशानो बनाया जडे त एस एस पी वाके जो नोटिस वठंदे जवाबदार की गिरफ्तारी जो हुक्म दिनों। मुमताज ग्राउंड वेझो साइदा गोठ पाड़े के रवासी 13 वर के कलीम शेख के खंबे खड़ी वाया मुमताज ग्राउंड में साणस बदफेरी कई वही। नींगर के चाचे की फरियाद से ए सेक्शन थाने से जवाबदार वाली शाह अवेश शेख खिलाफ केस दाखिल किया वो। नींगर के चाचे दाखिल करायल एफ आई आर में मौकिफ इख्तियार किया है त इतलाते जी ही हूँ पोता जवाबदार नींगर के छदे फरार थी वया। होडा एस एस पी खैरपुर मीर रोहल खान खोसे वाके जो नोटिस वठने पुलिस के जवाबदार की गिरफ्तारी जहा हुक्म दिना जै बद पुलिस जवाबदार की गिरफ्तारी लिए छापन जो सिलसिलो शुरू कर छो है। पुलिस जो चवण है तो मुमताज नींगर के इलाज लाए मेडिकल लेटर जारी किया वो है जवाबदार के गिरफ्तार कर सख्त सजा दिनी वी। धोरो नारो भरसा फाउखाई मुबैना आपघात कदड़ नारी जो टिन जणन खिलाफ केस दाखिल किया वो। गोठ साडर में एक हफ्तों अग नारी लक्ष्मी जाल एसर मेघवार जो मुबैना तौर घर अंदर फाउ खादल लाश हथाय। नारी के भा मनु मेघवार की फरियाद से टिन जवाबदार अमीर पुट मोहसिन आरिसर पद्मी जाल हरचंद मेघवार अणजातल जवाबदार से धोरो नारो थाने से केस दाखिल किया है। मनु मेघवार दाखिल करायल एफ आई आर में जाना है संदस भेण के बड़वी जाल हरचंद मेघवार ए अमीर पुट मोहसिन आरिसर एक अणजातल जवाबदार से गड़ी भेण से तशद करे कत्ल कर संदस लाश छित में टंगे फाव खाण जो कूड़ो ड्रामो रचाया वो है। बे पास ढोरो नारो पुलिस लेडीज पुलिस साण कर गोट साडर में पद्मी जाल हरचंद मेघवार के घर से छापो हो पद्मी घर में मौजूद न हुई। राबत करण से एस एच ओ ढोरो नारो बुधा जवाबदार से केस दाखिल किया वो है। जवाबदार की गिरफ्तारी लिए छापा हया पाया वन जल्द खेन गिरफ्तार किया वो।
दादू में मौलवी पारा नींगर के मुबैना तौर बदफेरी जो निशानो बणायो वियो जॾहिं त वाक़े जी एनसी दाख़िल कराई वई आहे। शहबाज कॉलोनी में मौलवी ज़ैनुल आशारी छहनि वरें जे नींगर हसन पुट उमरदीन सोलंगी के मुबैना तौर बदफेरी जो निशानो बणायो। नींगर जे पीउ उमरदीन सोलंगी जे फरियाद ते इल्ज़ाम ठाहियल ज़ैनुल आशारी ख़िलाफ़ ए सेक्शन थाणे ते एनसी दाख़िल कराई वई आहे। ॿिए पासे ए सेक्शन थाणे जी पुलिस मौलवी जे पीउ हनीफ़ लाशारी खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे।